हमारे चैनल हेल्थ वेल्थ में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मोटापा कैसे कम करें। आज अस्वस्थ जीवन शैली के कारण उत्पन्न बीमारियों में से सबसे बड़ी बीमारी मोटापा है। यह बीमारी पूरी दुनिया में एक महामारी बन गई है। भारत में अनेक लोग मोटापे के शिकार हैं। मोटापे के कारण शरीर में कई तरह की परेशानियां होने लगती हैं। जब परेशानियां बढ़ने लगती हैं तो लोग मोटापा कम करने के लिए उपाय खोजने लगते हैं। कई बार उचित जानकारी नहीं हो पाने के कारण लोग अपना वजन घटा नहीं पाते हैं। यहाँ वजन घटाने के लिए 10 घरेलू उपाय बताए जा रहे हैं। आप इन असरदार उपायों द्वारा अपना वजन कम कर सकते हैं। 1. अदरक और शहद का प्रयोग। लगभग 30 मिलीलीटर अदरक के रस में 2 चम्मच शहद मिलाकर पिएं। अदरक और शहद शरीर की चयापचय क्रिया को बढ़ाकर अतिरिक्त वसा को जलाने का काम करते हैं। अदरक अधिक भूख लगने की समस्या को भी दूर करता है तथा पाचन क्रिया को दुरुस्त करता है। इस उपाय को सुबह खाली पेट तथा रात को सोने से पहले लेना चाहिए। 2. नींबू और शहद का उपयोग। 1 गिलास पानी में आधा नींबू, 1 चम्मच शहद एवं 1 चुटकी काली मिर्च डालकर सेवन करें। काली मिर्च में पाइपरीन नामक तत्व मौजूद होता है। यह नई वसा कोशिकाओं को शरीर में जमने नहीं देता है। नींबू में मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड शरीर में मौजूद क्लेद को कम करता है और शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। 3. पत्ता गोभी का सेवन। भोजन में पत्ता गोभी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। इसे उबालकर या सलाद के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। इसमें मौजूद टैटरिक एसिड शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित नहीं होने देता, इसलिए वजन कम करने में सहायता मिलती है। 4. इलायची का सेवन। रात में सोते समय 2 इलायची खाकर गर्म पानी पीने से वजन कम करने में सहायता मिलती है। इलायची पेट में जमा फैट को कम करती है। इलायची अपने गुणों से शरीर में पेशाब के रूप में जमा अतिरिक्त जल को बाहर निकालती है। 5. सौंफ का सेवन। 6 से 8 सौंफ के दानों को 1 कप पानी में 5 मिनट तक उबालें। इसे छानकर सुबह खाली पेट गर्म गर्म ही पिएं। इससे अधिक भूख लगने की समस्या से राहत मिलेगी तथा खाने की इच्छा कम होगी। 6. पुदीना का इस्तेमाल। पुदीना की पत्तियों के रस की कुछ बूंद गुनगुने पानी में मिलाएं। इसे खाना खाने के आधे घंटे बाद पिएं। यह पाचन में सहायक तथा चयापचय क्रिया को बढ़ाकर वजन घटाने में मदद करता है। इसका उपयोग लंबे समय तक किया जा सकता है। 7. हल्दी का सेवन। हल्दी में विटामिन B, C, पोटेशियम, आयरन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड तथा फाइबर्स आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं तथा अतिरिक्त चर्बी को घटाने में मदद करता है। 8. जीरा, धनिया और अजवाइन का सेवन। जीरा, धनिया, अजवाइन और सौंफ के मिश्रण की चाय बनाकर पिएं। आप इसे भोजन के बाद पानी में उबालकर घूंट घूंट भी पी सकते हैं। तुलसी, नींबू, अदरक की बिना दूध वाली ब्लैक टी पिएं। हमेशा गुनगुने पानी का प्रयोग करें। 9. आंवला का सेवन। इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो एक उत्तम एंटीऑक्सीडेंट है। यह शरीर से विषाक्त तत्वों को बाहर निकालने में मदद करता है। यह मेटाबॉलिज्म बढ़ाने और कैलोरी बर्न करने में मदद करता है। यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। 10. गुनगुना पानी पिएं। उबालकर आधा किया हुआ जल आधा आधा गिलास करके दिन में 2.5 से 3 लीटर पीना चाहिए। इससे आपका पाचन भी हो जाता है और पेट भरा होने से भूख भी कम लगती है। यह शरीर के सभी सूक्ष्म गंदगी को साफ करता है और पेशाब तथा पसीना लाता है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें और ऐसी ही हेल्थ टिप्स को पाने के लिए हमारे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब करें।